शाडूच्या गणेश मूर्तींवरील जीएसटी 28% वरून 5% आला आहे. जीएसटीचा फटका आपल्या लाडक्या बाप्पालाही बसणार होता, कारण शाडूच्या गणेश मूर्तीवर तब्बल 28% जीएसटी लावण्यात आला होता. हा टॅक्स कमी करावा अशी मागणी कोल्हापूरचे राष्ट्रवादीचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. त्यासाठी पाठपुरावा करून हा टॅक्स 28% वरून 5% कमी करण्यात त्यांना यश आलं आहे. देशभरात मूर्तीकारांना याचा फायदा झाला असून गणेश उत्सव हा आनंदाचा उत्सव असतो. दरवर्षी या उत्सवाची आपण आतुरतेने वाट पाहत असतो. गणेश मूर्तींना महागाईचा फटका तर दरवर्षीच बसतो, मात्र यावर्षी गणेश मूर्तींना जीएसटीचा फटका बसला होता. केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात तयार होणाऱ्या शाडूच्या घरगुती गणपतीच्या मूर्तींवर तब्बल 28% जीएसटी लावण्यात आला होता. हा टॅक्स रद्द करावा यासाठी कोल्हापूरचे राष्ट्रवादीचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी लोकसभेत आवाज उठवला होता. काल दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी कौन्सिलिंगच्या मीटिंगमध्ये शाडूच्या गणेश मूर्तींवर 28% जीएसटी हा कमी करून तो 5% करण्यात आला आहे. अध्यक्ष जी, किसी भी शुभ काम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी की पूजा से करते हैं. हमारे देश में गणेशोत्सव या गणेश फेस्टिवल बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है. करोड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं. लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भगवान की मूर्ति गणेश जी की मूर्ति पे भी 28% जीएसटी लागू किया गया है. अध्यक्ष जी, हमें यह समझना होगा कि हर साल रॉ मटेरियल में 10% की वृद्धि होती रहती है और उस पर जीएसटी लगने से ये मूर्तियां और भी महंगी हो जाएंगी. मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक 15 फीट की गणेश मूर्ति जो 80-90 हजार की मिलती थी, जीएसटी लगने की वजह से वो 1,05,000 या 10,000 की होने वाली है. सबको वो देता है तो उसके लिए भी पैसे खर्च करो, क्या हो? ये हमारी आस्था का विषय है मैडम जी, अधिक जी, हमारा ये भावना और आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है. दुनिया में अधिक जी, हमारे महाराष्ट्र में ये उत्सव बहुत बड़ा होता है. हमारे महाराष्ट्र के सभी तरुण मंडलों ने, गणेश उत्सव मंडलों ने, विशेषता मुंबई का लालबाग का राजा है, पुणे का दगड़ूशेठ हलवाई है और कोल्हापुर के सभी हमारे गणेशोत्सव मंडलों ने इसका विरोध किया है. तो मैं आपसे विनती करता हूं कि गणेशोत्सव 1 महीने में आ रहा है, मई और जून महीने में ही कई लोगों ने इसका बुकिंग किया हुआ है, तो उनको ये ज्यादा दाम देना पड़ेगा. इसलिए सरकार से अनुरोध है कि भगवान की मूर्तियां हमारी आस्था और भावनाओं का विषय है, इसमें जीएसटी नहीं लगना चाहिए. हमारे गणेश जी की कोई भी मूर्ति पे भगवान की जीएसटी नहीं लगना चाहिए. मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा. धन्यवाद अध्यक्ष जी.